Hello students, today we will do chapter 10 of grammar book, interjections, the mood showing words. An interjection is a word used to express some sudden feelings of the mind. कि interjections वो वाले words होते हैं जो हम sudden feelings के लिए use करते हैं. For example, मीन्स हम जानबूझ के नहीं बोलते, वो हमारे मीन्स एकदम से कुछ होता है तो हम खुद ही निकल जाते हैं हमारे मुंह से. फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमें चोट लग जाती है तो हम क्या बोलते हैं, आ, राइट, या फिर ओ, आउच, राइट. तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं, जब हमें चोट लग जाती है या इंजरी हो जाती है, अचानक से हम गिर जाते हैं, तब हमारे माइंड में ये वर्ड्स आते हैं, राइट. और अगर आप खुश हो, किसी चीज़ को सुन के आपको खुशी हुई है और एकदम से आपका जो रिएक्शन आएगा, वाओ, जैसे आपको पता चला कि आज ना जो कोई आपकी बेस्ट फ्रेंड है, राइट, या कोई आपका बेस्ट रिलेटिव है, जैसे बुआ या मासी, कोई भी घर पे आ रहे हैं और आपको अचानक से पता चला कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो आ रहे हैं, और आपको पता चला अच्छा वो आ रहे हैं, वाओ, फिर तो बहुत मज़ा आएगा. तो इसमें जो ये वर्ड था वाओ, ये क्या है, इंटरजेक्शन, ठीक है. कभी गुस्सा आ रहा होता है, कुछ वर्ड्स हम तब यूज़ करते हैं. कभी हम सरप्राइज हो जाते हैं तब यूज़ करते हैं. और कभी कभी मीन्स किसी चीज़ को देख के, जैसे कि सरप्राइज ही हो गया, एडमिरेशन हो गया, सरप्राइज इन द वे, इन पॉजिटिव वे में, किसी सरप्राइज को देख के आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई है ना, उसको देख के वाओ भी कहते हैं हम. वाओ कितनी सुंदर बिल्डिंग है, वाओ कितनी सुंदर पिक्चर है ये, हम ऐसे बोलते हैं ना. या फिर व्हाट ए लवली फ्लावर, इसको हम एक तरह से और भी एक्सप्लेन करते हैं. जैसे कि हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो आप कहते हैं क्या पिक्चर बनाई है ये, क्या फ़ोटो बनाई है. अब आप इस, ये क्वेश्चन मार्क हो लास्ट में तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है. लेकिन अगर एक्सक्लेमेटरी साइन है, एक्सक्लेमेटरी साइन कौन सा होता है बेटा, ये वाला, ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन है तो वो क्या हो गया, इसका मतलब एक्सक्लेमेशन, आपका ये सडन रिएक्शन है. इस एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है सडन रिएक्शन, ठीक है. तो आज हम इसी को पढ़ेंगे. तो देखते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि वाओ व्हाट अ लवली फ्लावर. तो वाओ कितना सुंदर फ्लावर है बोलते हैं ना वैसे, तो ये कौन सा एक्सप्रेशन है जो कि हम सरप्राइज होके बोलते हैं. अच्छा ध्यान देंगे इस चीज़ पे कि आपको सेंटेंस जो है वो रटने नहीं है, आपको बस दिमाग में लेके आने कि अगर ऐसा अगर आपके साथ हो तब आपके, तब एकदम से जो आपका रिएक्शन होगा, आपके मुंह से कौन सा वर्ड निकलेगा, राइट. बस एक दो हैं जिनका आपको ध्यान देना है, उसके अलावा बाकी सब जो वर्ड्स हैं वो आपको सडन रिएक्शन पे ही डिपेंड करेगा. फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये वर्ड्स हैं, ध्यान से देंगे देखेंगे, नंबर फोर्थ पे है, देखिए, अलास हिज डॉग इज डाइड. अगर किसी के भी मरने की बात होती है, वहाँ पे आपको डेड दिखाई देता है लिखा हुआ, डेड, पास्ड अवे, मीन्स जिस सेंटेंस का मीनिंग ऐसा निकलता है कि कोई नहीं रहा, किसी की डेथ हो गई है, तो वहाँ पे मस्ट है कि यही आएगा, अलास, मोस्ट ऑफ यही आएगा. ये सैडनेस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है. और अगर कहीं पे जैसे कि कोई मैच चल रहा था और कोई वहाँ पे जीत गया है, तो वहाँ पे दो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं. एक तो कौन सा है, हुर्रा, राइट. हम वैसे इसको क्या बोलते हैं, हुर्रे, आज तो इंडिया जीत गई, राइट. और एक क्या बोलते हैं, जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं कि अच्छा आप तो जीत गए हो, तो हम क्या बोलते हैं, ब्रावो, राइट. तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि आपको मीन्स बस ऐसे याद रखने हैं कि कौन से एक्सप्रेशन में हमें कौन से वर्ड्स यूज़ हम करते हैं. बाकी सेंटेंसेस को रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. अब देखिए,
अगर कोई आपको बाहर मार्केट में आप जा रहे हैं, आपको कोई मिल जाता है आपका फ्रेंड, तो आप उसको कैसे बुलाएंगे? हे, ऐसे नहीं लिखना वहाँ पे, पता चले मैं आपको लिख रही हूँ, फिल इन द ब्लैंक दिया है मैंने आपको, और आगे लिख दिया है व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और आप उसको ऐसे नहीं लिख देंगे ओए, आप लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, तो ऐसे नहीं बोलना है। यहाँ पे डिसेंट वर्ड्स हम यूज़ करेंगे, जैसे कि हे, व्हाट आर यू डूइंग हियर, हे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट इज आउच, यू आर हर्टिंग मी। हर्ट का मतलब क्या होता है? चोट पहुंचाना या चोट लगना। आउच इज अ क्राई एक्सप्रेसिंग सडन पेन। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आउच इज अ क्राई एक्सप्रेसिंग सडन पेन, कि अचानक से दर्द होने पे जो हमारा जो रिएक्शन होता है, हमारे जो वर्ड होता है वो कौन सा होता है? आउच। नेक्स्ट इज, देखिए ये, हेलो राम, हाउ आर यू। आप किसी को फ़ोन पे बात कर रहे हो तो ऐसे ही बोलोगे ना, हेलो, या फिर हाय, एच आई, हाय भी बोलते हैं और हेलो भी बोलते हैं, तो आप इसमें इन दोनों में से कोई भी वर्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, राइट। और बाकी मैंने आपको बता दिए हैं, हाँ, ओ रह गया, ओ। सेकंड देखिए, माय हेड इज़ एकिंग, ये भी क्या है? ये है एक्सप्रेस करने का तरीका है कि सैडनेस को, तो जैसे कि ओ हो, आज तो मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, हम ऐसे बोलते हैं ना, तो ये क्या है? ओ हो जो हमने बोला है उसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओ। बस आपको थोड़ा सा ये याद करना है और कुछ भी नहीं है इसमें, ये आई थिंक ये सबसे ईजी है, इसमें रटने वाला भी नहीं है, आपको जो भी वर्ड सुटेबल लगता है आपको वही लिखना है उसमें। कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे भी दिए गए हैं, जैसे जल्दी से हम देखते हैं, फर्स्ट इज ओ आई लॉस्ट माय वॉच। मान लो आपसे कोई चीज़ गुम हो गई तो आप कैसे बोलते हो? ओ मेरा तो पेन गुम हो गया, बोलते हैं ना हम ऐसे, हाँ, तो यही वाला, यही रिएक्शन है जो कि आपको उसमें लिखना है। नेक्स्ट इज ओ माय गॉड आई फॉरगॉट टू ब्रिंग द ट्रेन टिकट। अब ओ माय गॉड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हे भगवान, मैं तो अपनी ट्रेन की टिकट ही भूल गई हूँ, तो इंग्लिश में अब हे भगवान नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ओ माय गॉड, ठीक है। गॉड का कैपिटल जो फर्स्ट लेटर है जी, वो कैपिटल में आएगा, इसका ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट इज ब्रावो वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, ठीक है। यहाँ पे आप दो तीन चीज़ें लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ब्रावो ही लिखना है, क्या क्या लिख सकते हैं? हुर्रा वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, कि हम एक पिकनिक पे जा रहे हैं, खुश होके भी तो बोल सकते हैं, या फिर यिप्पी भी बोल सकते हैं हम, है ना, यिप्पी भी बोल सकते हैं ना, बोलते हैं ना हम कभी कभी ऐसे, वाई आई डबल पी वाई, यिप्पी, ये भी खुशी के लिए हम यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, अब हम देखते हैं फोर्थ, देखिए, ओ ओ माई बैक इज़ पेनिंग। अब ओ की जगह हम वैसे क्या यूज़ करते हैं बेटा? आ, आ मेरी कमर में दर्द हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे उसको? आ नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? ओ, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब देखिए सिक्स्थ में, देखिए आपको फोर्थ और सिक्स्थ में थोड़ी सी कन्फ्यूजन लगेगी, ये जो है ना, ओ वॉट अ ब्यूटिफुल ब्राइट शी इज, तो ये क्या है यहाँ पे? एक बहुत ही सुंदर दुल्हन है जिसके लिए कहा जा रहा है कि ओ कितनी सुंदर दुल्हन है। अब देखो बेटा, हम बोल रहे हैं ना, यही तो वर्ड हम यूज़ करते हैं, वही हम लिख रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि अच्छा मैम इससे पहले तो दर्द के लिए यूज़ किया था, अब सुंदर के लिए भी कर दिया सरप्राइज़ के लिए, तो नहीं, जो वर्ड आप बोलते हैं आप वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 10, देखिए, अलास He met with an accident. अब मैंने आपसे क्या कहा था कि किसी की डेथ हो जाती है या फिर मीन्स सैडनेस का जो सैडनेस के लिए जो हम यूज़ करते हैं, मीन्स कि किसी के साथ बहुत बुरा हो गया उसके लिए यूज़ करते हैं, एक्सीडेंट के लिए या मरने के लिए, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे? अलास, मेट विद एन एक्सीडेंट का मतलब होता है किसी का एक्सीडेंट हो जाना, दुर्घटना हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज 11th, हे वाई आर यू प्लकिंग लीव्स, कि
ऐसे ही बोलते ना, अगर कोई दूर खड़ा हुआ है और अब हम उसको बोल रहे हैं, तो अब फिर मैं वही कहूँगी कि ओए नहीं लिखना है यहाँ पे, ओए तुम फ्लावर क्यों तोड़ रहे हो, नहीं हे तुम फ्लावर क्यों तोड़ रहे हो, किसी को आवाज़ लगा के बोलोगे तो ऐसे ही बोलोगे ना, ठीक है। अब उसके बाद हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज करते हैं अब हम। सो फर्स्ट इज डैश आई हैव बर्नट माई फिंगर। अब मान लीजिए आपकी गलती से कुछ काम कर रहे हो और फिंगर पे कट लग गया है या फिर वो जल गई है, तो आप कैसे रिएक्शन दोगे? आउच माई फिंगर, राइट, मेरी उंगली जल गई, ऐसे बोलते हो ना, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे? आउच। ओ भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन आउच यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है, राइट, ज़्यादा सूट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डैश व्हाट आर यू डूइंग देयर, सेकंड कर रहे हैं। तो मैंने अब आपसे कहा था ना ओए नहीं बोलना है, क्या लिखना है? हे व्हाट आर यू डूइंग देयर, तुम वहाँ क्या कर रहे हो। नेक्स्ट इज डैश सीता हाउ ओल्ड आर यू। अब इसमें दोनों लिख सकते हो आप, हेलो सीता हाउ ओल्ड आर यू भी लिख सकते हो, या फिर हे सीता हाउ ओल्ड आर यू, दोनों में से कोई भी कर सकते हो, ठीक है दोनों। नेक्स्ट इज नंबर फोर डैश इज स्टार्ट डैश इट स्टार्टेड थंडरिंग एट द निक ऑफ टाइम। कि जैसे कि आप एकदम से जो है बिजली चमकना शुरू हो जाती है, थंडरिंग का मतलब होता है बिजली का कड़कना, तो वो अगर शुरू हो जाती है तो आप क्या बोलोगे? ओ माई गॉड, हे भगवान, कितनी सी देर में बिजली चमकनी स्टार्ट हो गई है, मीन्स बिजली कड़कनी स्टार्ट हो गई है, बोलते हैं ना वैसे, तो वहाँ पे क्या करेंगे? ओ माई गॉड। ओ गॉड भी कर सकते हो, ओ माई गॉड मत करो, ओ गॉड भी कर सकते हो आप वहाँ पे। एक्सक्लेमेटरी साइन मस्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो वैसे इसने यहाँ पे पीछे लिख दिया, तो अब हमें वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे फुल स्टॉप लिखा हुआ होता ना इसने, तो हम यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते, पहले लिखा हुआ है तो ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर फाइव योर रिजल्ट इज डैश। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? योर रिजल्ट इज मार्वलेस। मार्वलेस का मतलब क्या होता है? कि बहुत ही अच्छा है, या फिर योर रिजल्ट इज आउटस्टैंडिंग, दोनों कर सकते हो आप यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग भी लगा सकते हो और मार्वलेस भी कर सकते हो, ठीक है। नंबर सिक्स इज डैश मिस्टर नायर हैज अ फियर्स डॉग। फियर्स का मतलब क्या होता है? इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपसे कराया था ना, याद है, द ग्रेटेस्ट सिंगर में फियर्स कौन था? एलिफेंट, याद रखना। तो मिस्टर नायर के पास क्या है? एक वॉयलेंट मीन्स एक खतरनाक कह सकते हैं आप उसको, डॉग है। तो उसके दो हो सकते हैं, हो सकता है कि आप उसको प्रेज कर रहे हो कि भाई देखो ज़रा मिस्टर नायर के पास ऐसा डॉग है, तो आप ब्रावो लिख सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे ब्रावो ना लिखें प्लीज़, ये कट कर दें इसे। यहाँ पे आप और क्या लिख सकते हो बताइए? डैश मिस्टर नायर हैज़ ए फियर्स डॉग, आपका क्या रिएक्शन आता है यहाँ पे? ओ मिस्टर नायर हैज़ अ फियर्स डॉग, अब आपको पता चला है। अब आपको उनके घर जाना है, सपोज़ करो मिस्टर नायर के घर आप जा रहे हो और वहाँ पे आपको पता चले कि उसके घर में तो एक बड़ा ही ख़तरनाक सा डॉग है, तो आप वहाँ पे क्या कहोगे? ओ ओ हो, यहाँ पे तो डॉग भी है, बोलेंगे ना वैसे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? ओ, ठीक है। नंबर सेवन इज डैश व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, वाओ वाओ कितनी सुंदर सीन है, कितना सुंदर सीन है ये, तो वहाँ पे वाओ ये बेस्ट है, वाओ ही लिखें यहाँ पे। इसके बाद है डैश द इंडियन टीम वन द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट नहीं बोलेंगे हम इसे, क्या बोलेंगे? टूर्नामेंट। खुशी हुई हमें जान के कि इंडियन टीम जीत गई है, मैच हमने पूरा देखा है, तो हमारा रिएक्शन क्या हो गया? हुर्रा द इंडियन टीम वन द टूर्नामेंट, या फिर यिप्पी। नेक्स्ट इज डैश हिज मदर डाइड इन द रॉड एक्सीडेंट। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी के एक्सीडेंट की होती है या डेथ की होती है, उसमें क्या लिखते हैं हम? अलास, मस्ट है ये। नेक्स्ट इज डैश शी फेल्ड इन द एग्जाम फॉर द सेकेंड टाइम, वो दूसरी बार भी एग्जाम में फेल हो गई है। दो लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ओ भी लिख सकते हैं, ओ हो वो तो दोबारा से फेल हो गई, या फिर हे भगवान वो फिर से फेल हो गई,
तो ओ गॉड भी कर सकते हैं, ओह भी कर सकते हैं नंबर 10 में। तो मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ एक ही आना नेसेसरी नहीं है, आपको जो सूट करता है, आप जो बोलते हो आप उसको सोचो मन में कि अगर आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आपके मुंह से क्या वर्ड्स निकलेंगे, आपको वही सेम उसमें लिखने हैं। नंबर 11 इज डैश वी आर गोइंग टू शिमला दिस संडे। अब फिर यहाँ पे ब्रावो है तो ब्रावो की, तो यहाँ पे ये ब्रावो नहीं आएगा, प्लीज़ इसे कट कर ले, ब्रावो नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डैश वी आर गोइंग टू शिमला दिस संडे। अब सपोज़ करो लॉकडाउन के बाद से परेशान हो गए हैं ना, कहीं घूमने भी नहीं जा सकते, स्कूल आते थे स्कूल भी नहीं आते हो, अब आपको पता चल रहा है कि अच्छा इस संडे को तो मम्मी पापा शिमला लेके जा रहे हो, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, कैसा होगा आपका रिएक्शन, हुर्रे यिप्पी, ठीक है। इनमें से आप कोई भी इसमें लिख सकते हैं, या तो हुर्रा या फिर यिप्पी, दोनों में से कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नंबर 12 इज डैश आई फाउंड माई लॉस्ट की। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, आह आई फाउंड माई लॉस्ट कीज, या फिर आप यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं बताइए, बताओ क्या लिख सकते हो, अगर आपको आपकी गुम हुई कोई भी चीज़ मिल जाती है तो हम क्या, हमारा रिएक्शन क्या होता है, ओह आई फाउंड माई लॉस्ट कीज, ऐसे तो नहीं बोलते हम, और क्या बोलते हैं, वाओ भी बोल सकते हैं ना, वाओ आई फाउंड इट, मुझे मिल गया, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मैं तो वाओ यूज़ करती हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग क्या यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे आह भी लिख सकते हैं, आप वाओ भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको इसमें बताया था कि यहाँ पे ब्रावो नहीं यूज़ करेंगे आप, और इसमें भी नहीं करेंगे। थैंक यू।